हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मैं अभी नहा वाली हूँ, जस्ट नहा के आ रही हूँ और आ गई किचन में। अभी बाबू को नाश्ता नहीं दी और सुबह का टाइम है तो पहले बाबू को नाश्ता देती। और बाबू मेरा घर ही में है, इसको इसका स्कूल नहीं है आज, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे भी नहीं पता। और टाइम पास करने के लिए छुट्टी मिल गया है इसको, क्योंकि स्कूल में टीचर बोली थी ज़्यादा पढ़ लियो हो, थोड़ा रेस्ट करो, ऐसा है ना। नहीं, वो साइंस एग्जीबिशन। हाँ, तो बाबू के स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है जिसकी वजह से छुट्टी है और हमको जाना है। पर आज मैं नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मौसम यहाँ पे आज ज़्यादा ही बेकार हो गया है। रोज तो बहुत अच्छा था, आज तो यहाँ पे धूप नहीं हुई है और बहुत तेज तेज से हवा चल रही है। हवा भी चल रही है, बदली टाइप का हो गया है। भाई तो हवा चल रही है और बादल लगा हुआ है, तो आज धूप भी हुई है। इधर तो अच्छा खासा धूप हो रहा था, आज तो एकदम धूप नहीं हुआ, इस वजह से मैं नहीं जाने वाली हूँ। और चलो तुम नाश्ता पहले करो। तो मैं बाबू को देके आ गई नाश्ता। आज सेक नहीं बनाई क्योंकि आज वो लाया था क्रीम बार, सेक नहीं बनाई क्योंकि मौसम आज ना बहुत खराब है। तो मैं सोची कि अभी बनाना सेक दूंगी ना तो तबीयत खराब हो सकता है, तो मैं बनाती हूँ सबसे पहले अपने लिए लाल चाय। नहीं तो हमको भी थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, पर सबसे पहले हम चाय बना लेते हैं। नहा के खाने के बाद तो दूध वाली चाय नहीं पी सकते हैं। और इसका पानी भी ठंडा हो चुका है तो पानी डालेंगे और गर्म करते हैं। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है और हम पानी को लेते हैं और साथ में हमारी चाय भी बन गई है। पानी हमारा थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया, गर्म नहीं हो गया, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और डालते हैं ठंडा। तो पानी गर्म करके ठंडा भी कर ली, थोड़ा पी लेती हूँ पहले। मैं पानी पी ली और चाय मेरी बन गई है। ये देख सकते हैं, हमने आलू काट रहे हैं, थोड़ा सा मतलब आलू है, गाजर है, वो है क्या बोलते हैं, मटर है, हमारा आलू है। आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते में पोहा, एकदम गर्मा गर्म, जो खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया क्योंकि मौसम बहुत मतलब अच्छा है। हमारी मिर्चा भी बन चुकी है इधर, चाय पी लेते हैं फिर बनाएंगे उसके बाद पोहा, क्योंकि पहले नहा के आए ना, बहुत ठंडा लग रहा है तो पहले चाय पीते हैं। अभी अपना चाय वाय पी लिए और बाल को भी थोड़ा सा खोल लिए जो तौलिया लपेटे थे, और फिर से किचन में गए और हम बना रहे हैं अभी पोहा। क्योंकि पोहा को ज़्यादा कुछ डाल के नहीं बनाएंगे, हमको वैसे भी पोहा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, से बालू डाल के बना लेती हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तो अभी हमारा पोहा में ना आलू को फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा होगा क्योंकि यहीं पे रखा हुआ है किचन में फोन। अभी हमारे पोहे में ना आलू हो गया है तो अभी इसमें डाल दी हूँ टमाटर। टमाटर को 2-3 मिनट लगता है सॉफ्ट होने में, ढकेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, पर ढकेंगे नहीं है, ऐसे ही पकाना बिना ढके हुए। जल्दी करने के लिए नमक भी साथ में इसमें ऐड करते हैं। पोहा बन के रेडी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। साथ में हल्दी पाउडर, ठंडी के मौसम में ना पोहा खाने का कुछ अलग ही मजा होता है नाश्ते में।
हमारा टमाटर भी मेल्ट मतलब हो चुका है लगभग, तब तक हम अपना पोहा धो लेते हैं। पोहा भी हमारा ज्यादा नहीं धोना है, पोहे को ना इसमें डालती हूँ, मिक्स करती हूँ। हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा ना चूरा घर वाला है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता, थोड़ा छोटा साइज का है, क्योंकि भी धान ज़्यादा कोई मोटा वाला नहीं करता ना, इसलिए चूड़ा भी पतला ही होता है। तो अभी इसको करते हैं अच्छे से मिक्स एक मिनट के लिए। हमारा पोहा बन के रेडी, जो देख सकते हैं ना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। दो मिनट से कम ही लगेगा इसको मिक्स करने में, जो काफ़ी टेस्टी बनेगा, बन के रेडी होगा। अभी अभी हमारा ना पोहा जो देख सकते हैं मिक्स हो चुका है, और कितना कलरफुल दिख रहा है, जो कि हम ज़्यादा वेजिटेबल नहीं डाले हैं, सिर्फ गाजर टमाटर मटर और आलू, ज़्यादा कुछ नहीं डाले हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि पोहा मेरा ऐसे ही फेवरेट है। तो फिर गैस को बंद करते हैं और निकालते हैं प्लेट में। देख सकते हैं ना काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। देख सकते हैं अभी कैसा दिख रहा है हमारा पोहा। प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट करें और बताएं कैसा लग रहा है। अभी मैं दे के आ गई भाई को, आज छुट्टी है तो अभी अपने लिए भी ले ली। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। मस्त बना है, वैसे कोई भी तो अपने हाथ का नहीं बोल सकता कि खराब बनता है, पर नहीं मुझे पोहा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। हमारी वीडियो पसंद आती है और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।